हाई कोर्ट को आज फिर अपने उस आदेश क्या को देखते हुए सुमोटो नोटिस लेना चाहिए कि रिजर्वेशन को जो एनक्रोच किया है, चाहे सरकार ने किया चाहे किसी निजी व्यक्ति ने किया, उसको कैसे बहाल किया जाए। आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करने जा रहा हूं वो यह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में और ख़ासकर ब्यास नदी के पूरे कैचमेंट एरिया में नदियों में बड़ा उफान आया है। ख़ासकर ब्यास जो मनाली से लेकर के मंडी तक हम देख रहे हैं और उसके सहायक छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब में भारी उफान है। हालांकि ये बारिशें ऐसे ही होती हैं, इस मौसम में ये कोई नई परिघटना नहीं है, बरसात का मौसम है, 7-7 दिन तक लगातार बारिशें होती हैं, परंतु नदियों में जो उफान है और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल चिंता का विषय है। और ये परिघटना प्राकृतिक नहीं मानता मैं, ये मानव जनित है। बारिश होना बरसात के मौसम में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हजारों सालों से होता रहा है यहाँ, परंतु पिछले कल आप मनाली से देखेंगे, मनाली में बांग में कुछ मकान गिर गए, रास्ते में सड़कें टूट गई सारी, हाईवेज की, नेशनल हाईवे की भी और 4 लेन की भी, पतली कुल के पुल को बड़ा नुकसान हुआ, आउट में जो पक्का लोहे का पुल बना था 50 साल पहले वो बह गया, पंडो में जो 100 साल पुराना पुल था ब्रिटिश टाइम का वो भी बह गया, मंडी शहर में पंचभक्तर मंदिर में कई बार इस तरह से पानी चढ़ता रहा है, मैंने भी देखा है, परंतु इस बार उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, नुकसान ज़्यादा किया और वहाँ भी एक पुल को तोड़ दिया। इसकी वजह जाननी चाहिए और इस पर हमें सवाल करना चाहिए। देखिए पानी का जो अगर देखा जाए जो पानी का बहाव है वो तो वैसा ही है, परंतु दो चीज घटनाएं जो इस बात को बढ़ाती हैं वो देखने वाली है। पहला है कि हमने डैम बनाए, अभी बरसात जैसे शुरू हुई है परसों से डैम सारे खोल दिए गए, उसने पानी को बहाव को उछाल दिया। दूसरा घटना है, दूसरा कारण है कि हमने सड़कें बनाई बिना किसी वैज्ञानिक तरीके से, बिना सोचे समझे उसके मलबे को हर कहीं बिखेर दिया नदियों में नालों में, और वो मलबा जो है पानी के साथ मिलकर के उसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। आज ये मक की वजह से हुआ है, ये जो बड़े बड़े पुल गए हैं वो जो डबरीज गई हैं उसके परिणाम स्वरूप हुआ है ये नुकसान, इसको समझना चाहिए। 4 लेन जहाँ जहाँ निकली है उसका सारा मलबा नदियों में गया और उसका बहुत नुकसान हुआ है। गाँव की सड़कें भी ऐसी अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हैं, पेड़ों का कटान तो निश्चित तौर पर हुआ ही है, आबादी का फैलाव चाहे व्यापारिक दृष्टि से चाहे सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सड़क और दूसरी वजह से पेड़ों का भारी नुकसान हुआ है, जंगल खाली हुए हैं, पानी का बहाव तेज हुआ है, भूमि कटाव बढ़ा है, इससे ये भी हुआ है। और जो समाज की गलती है वो है नदियों के किनारे, नदियों के जो तट है बेसन्स हैं उस पर कब्जा करके मकान बनाए। अरे हिमाचल हाई कोर्ट ने पिछले 20 साल पहले 30 साल पहले जब ये बड़ा फ्लड आया था आपके ब्यास में, पूरा बांग बह गया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे, आज उन निर्देशों का क्या हुआ? सवाल करना चाहिए सब लोगों से, इन नेताओं से भी, सरकार से भी, हाई कोर्ट को आज फिर अपने उस आदेश क्या को देखते हुए सुमोटो नोटिस लेना चाहिए कि रिजर्वेशन को जो एनक्रोच किया है, चाहे सरकार ने किया चाहे किसी निजी व्यक्ति ने किया, उसको कैसे बहाल किया जाए। और सरकार को चाहिए कि आगे जो विकास का मॉडल है उसको यहाँ की परिस्थिति के मुताबिक निर्धारित करे और पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो है निर्माण कार्य हों। अरे भाई अल्प्स में भी सड़कें बनती हैं, निर्माण होते हैं यूरोप में, वहाँ इस तरह का नुकसान क्यों नहीं होता? हम सारी टेक्निक अपनाए बगैर
धड़ाधड़ सड़कें निकाल रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी नेता हैं हमारे जो नदियों के किनारे बड़े बड़े बस स्टैंड बना देते हैं। धर्मपुर कल फ्लड हो गया, कोई सवाल नहीं। जयराम ठाकुर जी ने अपने गांव के लिए, तांदी के लिए सड़क बनाई, दो बार फ्लड आ चुका थुनाग में, कल पिछले कल पूरे थुनाग के अंदर मक आ गया। उसी सड़क का मक जो नाले में गिराया वो आज थुनाग मार्केट में लगातार आ रहा है। ये चीजें सोचने की हैं और इन पर सवाल होने चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह के जो है निर्माण कार्य पर रोक लगे, वैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य हों, वाटरशेड का ख्याल रखा जाना चाहिए और पानी के बहाव को कैसे अवरुद्ध न किया जाए, खुला रहे, उस पर सोचना चाहिए, तभी जाके पहाड़ में इस तरह की बस्तियां टिक सकती है। नहीं तो पूरी बसाहट के लिए नुकसानदेह स्थितियां पैदा होंगी किस दिन। मैं हिमाचल प्रदेश के आम भाई बहनों से फिर से अपील करूंगा कि अभी भी बारिश का रुख जो है नरम नहीं हुआ है, बारिश खूब जोरों से लगी है, नदी नालों से दूर रहें और अपना बचाव करें। शुक्र है कि इस बार जान का नुकसान तो नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ है, परंतु बहुत सारे घरों का, गाड़ियों का, पुलों का, सड़कों का भारी नुकसान प्रदेश को हुआ है। मैं अंत में सुंदर सिंह ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कल रात तक 11 बजे तक खड़ा रह करके नगवाई में उन 6 मजदूरों की जान बचाने के लिए काम किया। ये अच्छी बात है, परंतु सवाल यह है कि हम आगे के लिए निर्धारित करें कि हम कैसे विकास का मॉडल बनाएंगे, कैसे सड़कें बनाएंगे, कैसे निर्माण करेंगे, कैसे घर बनेंगे। इसको अगर नहीं देखेंगे तो हम बहुत बड़ी त्रासदी को सामने के सामने को अपने लिए बुला रहे हैं, और खासकर ये जो बड़े निर्माण हैं, बड़े बांध हैं, इन पर तो एकदम से रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद।